नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जिम वर्चुअल में पंकज खजूरिया। यकायक एक समय आया जब ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक जो समीकरण है वो बदल रहा है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पड़ोसी रियासत पंजाब में आम आदमी पार्टी का दस्तक हुआ और उन्होंने वहां पे सरकार बनाई, उस दस्तक के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमने देखा लोगों ने इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन जो है वो आम आदमी पार्टी का दामन थामा। लेकिन यकायक एक और नई चीज़ जो डेवलपमेंट हुई आम आदमी पार्टी में वो ये कि आम आदमी पार्टी ने अपने सारे जो भी उनके पार्टी होल्डर्स ऑफिस वेयर थे उनको जो है वो सस्पेंड कर दिया उनकी ऑफिस वेयर से। हालांकि अभी सारे के सारे जो वो पार्टी वेयर हैं वो एक नॉर्मल कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के और कोई भी इस समय ऑफिस वेयर नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी के बीच में। वहीं मैं लोगों की बात करूं, जहां लोगों का विश्वास बना था आम आदमी पार्टी को दामन थामने का, तो इस डिसीजन के बाद कहीं असमंजस में जो है वो जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग भी है। मेरे साथ इस समय पूर्व कन्वीनर जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी जम्मू प्रोविंस से ओम खजूरिया जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने कोशिश करेंगे क्या डेवलपमेंट रही ये सारी और क्या अगला रोड मैप है। खजूरिया साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा क्या मजबूरी रही कि सभी ऑफिस वेयर को जो है ये काजक सस्पेंड करना पड़ा। देखिए, आपने जो शब्द यूज़ किया सस्पेंड करना पड़ा, ये सस्पेंड नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी की जितनी भी इकाइयाँ थी जम्मू कश्मीर के अंदर वो सारी की सारी इकाइयाँ आम आदमी पार्टी ने डिसॉल्व कर ली और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रहता है। आपको बेहतर संगठन खड़ा करने के लिए संगठन में नए लोग आने हैं। आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, तो लिहाजा क्योंकि आम आदमी पार्टी इस समय चुनावों में जा रही है, चुनावों से पहले ये एक सामान्य प्रक्रिया रहती है सभी राजनीतिक दलों के अंदर कि जो पुरानी इकाइयों को डिसॉल्व करके नई इकाइयाँ बनाई जाए ताकि जो नए लोग पार्टी के अंदर आए हैं उनको भी कॉप्ट किया जाए, उनको भी एडजस्टमेंट करी जाए पार्टी के अंदर। आपने कहा कि जो पुरानी इकाइयाँ हैं उनको डिसॉल्व किया गया, बहरहाल जो ऑफिस वेयर उनको सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन ताकि और मजबूती से पार्टी को खड़ा किया जाए, तो पुरानी इकाइयों में कोई दिक्कत थी कि उनको लग रहा था कि हाईकमान को आपके या पार्टी को लग रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है, बढ़ नहीं पा रहे, इसलिए उनको सस्पेंड करना पड़ा या डिसॉल्व करना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी का जिस तरीके से विस्तार हो रहा था, आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों के सामने विकल्प है, कोई राजनीतिक विकल्प है, वो आम आदमी पार्टी है। उसी विकल्प और लोगों की हम बात कर रहे हैं। लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या कमजोरी रहेगी या मजबूरी रहेगी। मैं वही बात कर रहा हूँ, लोगों के पास जो विकल्प था जम्मू कश्मीर के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प जो है वो आम आदमी पार्टी है और उसी को चलते भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों से जो अच्छे लोग थे, जो ईमानदार लोग थे, वो आम आदमी पार्टी के अंदर आए। अब आम आदमी पार्टी उन लोगों को भी एडजस्ट करना है पार्टी के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो बाहर से आपके पास लीडरान आए हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, ये जो लीडरान जो बाहर से आए हैं उनको एडजस्ट करने के लिए डिसॉल्व किया गया। पूरी बात सुनिए, इस समय आम आदमी पार्टी के साथ लगभग 300 सरपंच जुड़े हुए हैं, 8 से 10 DDC हैं, 20 से 25 BDC हैं जो इंडिपेंडेंट लोग जीते हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों के कर्मठ कार्यकर्ता जो उन पॉलिटिकल पार्टियों की कार्य से फेडअप हो चुके थे, वो लोग पार्टी के अंदर आए हैं। उन्हीं को एडजस्ट करने के लिए आपने डिसॉल्व किया। सभी की सभी इकाइयाँ जो हम बना रहे हैं, चाहे वो जिला स्तर पर हों, असेंबली स्तर पर हों, प्रोविंशियल स्तर पर हों, राज्य स्तर पर हैं, तो जो पार्टी का एक विस्तार होगा, एक बड़ी इकाई बनेगी, ठीक है। तो लिहाजा ये एक सामान्य प्रक्रिया है सभी राजनीतिक दलों के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसी पर सवाल यही है कि जो नए लीडर अलग अलग पार्टी से आए हैं उनको जो है अभी नई इकाई में जगह दी जाएगी और इसीलिए डिसॉल्व किया गया। देखो, हाँ बिल्कुल, ये भी मान के चले हम, बल्कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, बट मकसद ये है आम आदमी पार्टी का। मकसद से आम आदमी पार्टी हटती नहीं है, मकसद है एक साफ सुथरी सरकार, ईमानदार निज़ाम जम्मू कश्मीर में देना, जैसे वो निज़ाम, ईमानदार निज़ाम हमने दिल्ली के अंदर दिया, आप पंजाब के अंदर,
उसी मकसद को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके सवाल पे भी आऊंगा, मैं आपकी बात पे भी आऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा एक दो वीडियो वायरल हुई जिसमें ये कहा गया कि बड़े सारे जो लीडरान हैं वो अपने नाम के आगे सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी लिखना शुरू कर दिया। तो आपको लगता है वो भी वजह रही कि पार्टी में आपस में जो है वो मेल मिलाप नहीं बना? शायद ये एक वजह कि आपकी पार्टी के अंदर इस समय वर्कशॉप्स भी चल रही हैं। देखिए जो वर्कशॉप का जो है ये पार्टी का एक अपना तरीका है, ये पार्टी के एक हमारे पार्टी विस्तार की एक पार्टी के अंदर का एक इंटरनल मैटर है। क्योंकि पार्टी के अंदर जो हमारे वॉलंटियर्स जुड़ते हैं, हम लोग वॉलंटियर्स हैं। मैं चाहे पूर्व मैं कन्वीनियर था, पर कन्वीनियर के साथ साथ मैं पार्टी का वॉलंटियर था। मेरी प्राइमरी जो है, मेरी पहचान है, वो मैं एज ए वॉलंटियर, चाहे मैं किसी भी पद पर रहूँगा, पर प्राइमरी मेरी जो पहचान है वो पार्टी का वॉलंटियर होने के नाते मुझे भी ट्रेनिंग लेनी है। तो सभी ट्रेनिंग हमारा पिछले महीने की 16 तारीख वो जो आपस में मतभेद आया सीनियर लीडरान अपने आप को कहना, कहीं मतभेद नहीं है, पार्टी के अंदर मतभेद नहीं रहते हैं। वीडियो वायरल आपके लीडर कह रहे हैं कि दिल्ली में जाके ज्वाइनिंग करते हैं, जम्मू में आके सीनियर लीडर लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, दिल्ली में ज्वाइन करें या जम्मू में ज्वाइन करें, जो हमारा वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम ही इसी मकसद में था कि जहाँ सभी लोग वॉलंटियर हैं, एक समान हैं, आम आदमी हैं, और हमारा मकसद आम आदमी तक वो सारी सरकारी सुविधाएं पहुंचाना जो आज से 75 सालों से जिनसे वो वंचित रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आपसी मतभेद भी क्या कहेंगे? नहीं, कोई मतभेद नहीं रहता पार्टी के अंदर, कोई मतभेद नहीं है। हम एक विचारधारा के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, पार्टी के अंदर कहीं मतभेद नहीं होता। ऐसा भी देखने को मिला कि बड़े सारे लोग अभी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मैं बात करूँ रूलिंग पार्टी के लीडरान की, उनका शुरू में यही कहना था कि आम आदमी पार्टी में जितनी स्पीड से लीडर ज्वाइन कर रहे हैं उससे अधिक स्पीड से वो छोड़ के जाएंगे। तो उनकी बात कहीं ना कहीं जहाँ पे जो है पूरी फिट बैठ रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आम आदमी पार्टी का जो है वो जमीनी स्तर पर किसी प्रकार की पकड़ नहीं है, ये आप भी मान चुके हैं। देखिए मैं आपको दो तीन सवाल हैं इसमें, आपके प्रश्न में तीन चार अलग अलग निकलते हैं। एक तो ये कि बहुत सारे लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं जी। दूसरा आपका सवाल था कि जमीन पे इनका कोई पकड़ नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न पहले, आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन है। आम आदमी पार्टी आंदोलन है देश के अंदर भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करना है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिल्ली के अंदर हुआ सक्सेसफुल, और पंजाब के अंदर भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। भ्रष्टाचार पे भी आऊंगा लेकिन आपकी बात सुनिए। दूसरा, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन है देश के अंदर, कोई भी नागरिक, कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, ये आंदोलन है। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन है कि देश के सभी नागरिकों को उनको बुनियादी स्वस्थ सुविधाएं मिलें, ये आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का आंदोलन है कि जो हमें बिजली, पानी, रोजगार, सड़क, ये सारी चीज़ें आम लोगों को जो 75 सालों से मुहैया नहीं हुई हैं वो पहुंचाना, ये आंदोलन। उस आंदोलन के साथ जो जुड़ते हैं लोग वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं सबसे पहले। दूसरा, जो आम आदमी पार्टी उनका वेलकम करती है जो पद प्रतिष्ठा की लालच से नहीं आए हैं, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं जो पद प्रतिष्ठा और टिकट एमपी एमएलए बनने की लालच में जो आ रहे हैं वो कृपया अपना समय बर्बाद ना करें, वो आज भी पार्टी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अगर वो लालच के साथ आएंगे। रूलिंग पार्टी का कहना तो सत्य हो रहा ना फिर। मैंने क्या बोला कि जो पद प्रतिष्ठा की लालच से जहां पे आएंगे वो पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएंगे और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे। पार्टी में आना तो पद भी चाहिए ना, बिना पद के कैसे रूल करेंगे? हम सब लोग हम बदलाव के लिए आए हैं, देश को बदलना चाहते हैं। जो बदलाव की इच्छा से पार्टी में आ रहा है तो उसका स्वागत है। अच्छा, आपने बात की है कि जो आम आदमी पार्टी है, आपने बात की आम आदमी पार्टी जो है करप्शन के खिलाफ आंदोलन है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं उसमें स्कैम्स देखे गए हैं और सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड कर दी गई है। उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि उससे पहले भी जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं उसमें भी स्कैम्स हैं। इस पे आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है और क्या रोड मैप है? मैं आपको बताऊं जी, पंजाब के अंदर कल ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक इंक्वायरी गठित की है जिसमें 3 IAS ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, जिसमें 1176 करोड़ रुपये का एक पराली का साम संभाल के लिए एक प्रोग्राम था वो लागू नहीं हुआ, उनके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। जहाँ तक करप्शन की बात है, आम आदमी, आप सुनिए ना पहले, हम करप्शन की बात पे आ रहे हैं। जहाँ तक करप्शन की बात है, पंजाब सरकार के अंदर
बनने के एक महीने के बाद ही अपने ही मंत्र अपना ही मंत्री अपना ही मंत्री जो करप्शन में इंडल्स हो रहा था उसको सस्पेंड ही नहीं करना, उसको जेल में भेजना। आज पंजाब के अंदर पिछले 4 दिनों में अंदर एसपी और आईजीपी जैसे लोग सलाखों के पीछे हैं। आज पंजाब के अंदर लगभग 50 के करीब ऑफिसर सीनियर ऑफिसर सब सलाखों के पीछे हैं जो करप्शन में इंडल्स थे। तो आम आदमी पार्टी की करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस है। जहां तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो धांधलियां हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी, और जो धांधलियों का पर्दाफाश होगा और जो कल्प्रिट हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। धांधलियों का पर्दाफाश होगा, कल्प्रिट जो हैं सलाखों के पीछे होंगे, ऐसा कहना है पूर्व कन्वीनर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर से जम्मू प्रोविंस के ओम खजूरिया जी का। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पंजाब में ये सारी डिसीजन लिए जा रहे हैं, बहरहाल वहाँ पे 3 IAS ऑफिसर जो पराली को प्रिजर्व करने में और उसका एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम होगा वो कोई इम्प्लीमेंट करने में उन्होंने जहाँ पे थोड़ा सा किसी प्रकार से कोताही बरती तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल ये तो बात होगी आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करती है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में स्थिति बनी हुई है कि हर एक इकाई हर एक यूनिट जो आम आदमी पार्टी का है वो उसके ऑफिस बेरर जो हैं वो सारे के सारे जो है डिसॉल्व कर दिए गए हैं। ओम खजूरिया जी से बात कर रहे थे, इनकी बातचीत से ये लगा कि आने वाले समय में ये इकाइयाँ फिर से डेवलप होंगी और इनमें जो बाहर के लीडर अलग अलग पार्टी से आ रखे हैं वो लीडर जो हैं इन इकाइयों में भी देखने को मिल सकते हैं जो पहले शायद नहीं था। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है जिस तरीके से क्यास लगाए जा रहे हैं। रूलिंग पार्टी का भी कहना है कि आम आदमी पार्टी में जितनी स्पीड से लोग जा रहे हैं उससे अधिक स्पीड से छोड़ के जाएंगे। तो ओम खजूरिया जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है और इस आंदोलन में जो कोई आए पद प्रतिष्ठा को साइड पर छोड़ के सिर्फ एज ए वॉलंटियर के तौर पर आए, तो जो छोड़ के जा रहे हैं वो शायद पद प्रतिष्ठा के लिए आए थे। ये भी एक वजह हो सकती है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी सारी इकाइयों को जो है डिसॉल्व कर दिया है। बहरहाल लोगों के बीच में एक इस समय असमंजसा बना हुआ है कि क्यों आम आदमी पार्टी जिसकी एक हवा बनी है, एक वेव बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें लोग इंस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन जो है उसको ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद जो उन्होंने सारी इकाइयों को डिसॉल्व कर दिया, तो ये भी लोग जानना चाहते थे। ये एक पूरी रिपोर्ट थी जो आपके समक्ष लानी थी पूर्व कन्वीनर जम्मू कश्मीर से जम्मू प्रोविंस के आम आदमी पार्टी के ओम खजूरिया जी से। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ने गर्जन वर्चुअल के साथ कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।